अगर आप हाफ कटोरी सूजी को एक मिक्सिंग बाउल में डालकर हाफ कटोरी बेसन डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिक्स कर लेंगे। एक कटोरी और डालकर अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी और बेसन अच्छे से फूल जाए। ये देखिए हमारे घोल की बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ एक आलू डाल देंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालकर हाफ चम्मच अजवाइन डाल देंगे और ये कुछ बेसिक मसाले जो आप डेली इस्तेमाल में लेते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे घोल में गुठली वगैरह ना रहे मसाले की। ये देखिए घोल की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अब गैस पर रखेंगे कढ़ाई और इसमें थोड़ा सा तेल स्प्रे कर लेंगे ताकि घोल डालते समय कढ़ाई में चिपके ना। घोल को कढ़ाई में डालकर गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। अब इसको लगातार चलाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट में ही मिक्सचर डो के फॉर्म में आ जाएगा। गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। ये देखिए मिक्सचर हमारा डो के फॉर्म में आ गया है। अब हम इसे एक परात या थाली में निकाल लेंगे। अब इसको अच्छे से फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा तेल स्प्रे करके हाथ से इकट्ठा कर लेंगे। अच्छे से चिकना बनाकर छोटी छोटी लोइयां तोड़कर एकदम क्लीन बोल बनाकर हल्का सा दबा देंगे। इसी प्रकार से पूरे मिक्सचर की बोल बना लेंगे। अब इनको गरम गरम तेल में एक एक करके डाल देंगे। जितनी कढ़ाई में आराम से आ जाए हमें उतनी ही डालनी है। गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। 2 मिनट बाद इनको उलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई करने में हमें 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। अब इनको क्रिस्पी होने के बाद एक एक करके झारे में निकालते जाएंगे। ये देखिए इनका कलर, इनका टेक्सचर, क्या लाजवाब स्नैक्स बने हैं। इसी प्रकार से हम सारे नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। तो कैसी लगी रेसिपी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुँचे। एक बार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।